हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं, और हम लोग भी अच्छे ही हैं। तो देखिए, अभी सुबह का समय है तो मैं खाना बना रही थी। खाना चढ़ा दिया है, चावल, और इधर आलू और साग की भाजी बना रही हूँ। तो देखते रहिए वीडियो को। स्वागत है आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में। और अभी देखिए, मैं सब्जियों को, मतलब कल ही सब्जी आया था घर पे, सब्जी को लेकर आए थे, तो मैंने इनको अच्छे से रखा ही नहीं था, ऐसे ही पन्ने में ही था। तो अभी सोचा सब्जियों को अच्छे से निकाल के रख देती हूँ। तो हरी सब्जियाँ हैं, अभी सर्दियों में हरी सब्जियाँ अच्छी अच्छी मिलती हैं, तो बाज़ार से लेकर आए थे। तो अभी इनको अच्छे से रख देती हूँ निकाल के, फिर ऐसे ही रह जाता है, नहीं रखती ना तो फिर ऐसे ही रह जाता है, फिर बाहर खुले में ही रख देती हूँ, तो फिर आजकल ख़राब तो होता नहीं है, पर फिर भी पन्नी से निकाल के रखना ज़रूरी होता है ना। तो मैं वही निकाल रही हूँ अभी। आलू है, और आलू भी है, छोटे छोटे आलू है, और साग है, और धनिया पत्ती भी है, और सेम भी है, और बीन है। मतलब एक साथ ही बहुत ज़्यादा सब्ज़ी ले आए, हफ्ता 10 दिन का तो चल ही जाएगा। और छीला हुआ मटर भी था। तो बने रहिए वीडियो के साथ, मैं इन सबको अच्छे से रख लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे। तो अभी मैंने जितने भी पत्तेदार साग था उन सबको एक तरफ रख दिया है अभी। और अभी देखिए अमानत जो क्या कर रहा है, बियर लाए थे ना, बीस के लाए थे, 30 रुपये का लाए थे, 1 किलो से ज़्यादा ही मिला है। और ध्रुव भी जाके थोड़ा सा पेड़ से तोड़ के लाया था कुछ, तो मैंने रख दिया है, उसको अच्छे से धो के सुखाना होगा अचार बनाने के लिए, वो तो बात की बात है। और अभी देखिए ये बियर को ना अच्छे से कूट के मिर्च, हरी मिर्च, पुदीना पत्ता और धनिया पत्ता ये सब लगा के कूट रहा उसने। और मतलब केले के पत्ते में, मैंने बोला कि केले के पत्ते में खाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो धूप निकल नहीं रहा था तो ज़्यादा हम धूप में नहीं बैठे, यहीं पर बैठ के खा रहे, मतलब इस बार ना खाए नहीं थे हमने बेर का उसे चटनी, कूट के खाए नहीं थे, तो आज खा रही हूँ। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, पर मैंने तो सारा खा लिया, और ज़्यादा पाही भी है, तो फिर वो भी चाट रही थी एक दो अपने भैया के साथ, उसको थोड़ा मिर्च डाला हुआ था ना, तो थोड़ा मिर्च लग गया होगा, तो फिर भी वो चटकारे लेके खा रही थी, क्योंकि उसे ना पाही को ना चटपटी चीज़ें, और थोड़ा ज़्यादा तो नहीं खा सकती मिर्च, तो थोड़ा बहुत मिर्च खा लेती है वो भी। और देखिए सारा काम करके ख़त्म करके फिर अभी हम निकले हैं शादी में। छोटी छोटी बच्चियों का होता है ना वो कुमारी विवाह, तो वैसा ही छोटा सा शादी है, तो वैसे शादी में बुलाया है हमें, 1 घंटे का ही रास्ता है, तो वही शादी में हम जा रहे हैं अभी। तो एक बच्चा था वो भी स्कूल से आ रहा था, तो उसको भी चढ़ा लिया है, और हमारी पाही भी देखिए उसके साथ मस्ती कर रही है, खेल रही है। तो हम जा रहे हैं अभी शादी में। बेलून लगे, बेलून लाने का सब देखिए पाही खेलने में लग गई, बस कहीं भी शुरू हो जाती है खेलने। और ये देखिए हमारी बकरी कितने अच्छे से खेल, देखिए उसको वो छिलके, सब्जियों का छिलके खाना है, देखिए मजे से खा रही है छिलके। मेरे पास आ रही है, मुझे पहचान गई है।
थोड़ी बड़ी हो गई है, थोड़ा दिन हो गया ना, दो चार महीने हो गया तो बड़ी हो गई है। सागर जी ने मुक्सी नहीं पाया था। भाई के साथ भी खेल ली बकरी, पहले की खबर लगे गई है भी घास खाने। उठ और ये देखिए रात हो गया है, शाम रात हो गया है, 7-8 बज गया होगा। इसका नौटंकी देखिए, सॉक्स खोल लिया और पेन मिला था उसको, तो पेन से देखिए क्या कर रहा है। इतना ठंड पड़ा है और देखिए ये जमीन पे बैठी है। जूता पहना दिया था वो भी खोल लिया, कितना बदमाश है पाही। देखिए पाही क्यों खोल दिया, जूता क्यों खोल दिया, मुझे को क्यों खोल दिया, क्यों खोल दिया। ये देखिए क्या कर दिया पैर में, देखिए ये अपने आप कर लेती है। मुझे खोल दिया, कहाँ फेंक दिया, देखिए उधर फेंक दिया, जूते को पता नहीं कहाँ फेंक दिया। पेन से ऐसे मतलब करती है ना, दाग लगाती फिर बोलती है आया हो गया, मतलब चोट लग गया ऐसे बोलती है। ये सोर्स देख देख के ना ये ऐसी हो गई ये लड़की, देखिए। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। देखते रहिएगा वीडियो को, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़। मैं नई नई हूँ तो अच्छे से नहीं आता वीडियो बनाना, तो सीख ही रही हूँ अच्छे से मतलब, तो आप लोग हेल्प करिए थोड़ा तो मैं भी आगे बढ़ पाऊँगी थोड़ा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। गुड नाइट।